नमस्कार, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं भिट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 1 में, जहां की वर्तमान वार्ड सदस्य नीतू देवी जी हैं और उनके देवर सुनील कुमार आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे विगत 5 वर्षों का इनका कार्यकाल कैसा रहा और इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या विकास के कार्य किए। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 7 निश्चय योजनाएं लागू की गई, क्या उन योजनाओं का लाभ यहाँ की ग्रामीण जनता तक पहुँच पाया। सबसे पहले हम बात करें जो नल जल योजना है, जिस पे सरकार का कहना था कि प्रत्येक ग्रामवासियों को नल जल का लाभ सुचारू रूप से सही समय पे दिया जाए। क्या नल जल का लाभ यहाँ की जनता को मिलता है या फिर किसी कारणवश बाधित है, आइए हम इनसे जानते हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, हमारे यहाँ नल जल का पानी टाइम से चलता है, सुबह में भी चलाते हैं, शाम को भी चलाते हैं, सब लोग का पानी हमारे यहाँ पहुँच जाते हैं। बहुत सारे काम भी हम करवाए हैं 1 नंबर वार्ड में। इन 7 निश्चय योजना में हम बात करें तो जो गली नली योजना है, ये एक अहम योजना रही है सरकार की, जिस पर सरकार का कहना था कि गांव में जो भी कच्ची गलियां हैं उन सभी गलियों को पक्कीकरण कराया जाए। जहाँ पे जल जमाव जैसी स्थिति थी वहाँ पे PCC या फिर फेवर ब्लॉक कराया जाए। क्या ये सभी कार्य आपके वार्ड क्षेत्र में हो पाए हैं? आपके कार्यकाल में कितने सड़कों का, कितने नालों का निर्माण हो पाया है? हम तो 16 सड़क बनवाए हैं, नली गली रोड भी बनवाए हैं सामने वाले, यहाँ से हर घर के पास दरवाजे तक हम पहुँचा चुके हैं। बाकी जो बाकी है काम वो अगले साल में पूर्ण करेंगे। जैसा कि हम वार्ड सदस्य के कार्य के बारे में बात करें तो उनका कार्य था कि अपने क्षेत्र की जो भी ग्रामीण जनता है उन्हें जागरूक करें, उनके लिए राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास और शौचालय जैसी योजनाओं से प्रत्येक जनता को जोड़े। क्या ये सभी कार्य आपके वार्ड क्षेत्र में हो पाए हैं? इनका आंकड़ा इन 5 वर्षों में लगभग क्या है? हमारे वहाँ 1 नंबर वार्ड में लगभग सभी के राशन कार्ड भी हर घर व्यक्ति का हो गया है, शौचालय भी बना, सबको पैसा मिल गया। सही 2-4 आदमी था उसको नहीं मिला, जियो टेक्नोलॉजी में क्या बोला जाता है, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, ये सब लोग का लगभग हो गया है। जिसका एज नहीं हुआ है उसको अभी नहीं हुआ है, सब लोग का हो जाएगा। कोरोना काल में सरकार द्वारा मास्क और साबुन का वितरण कराना था, क्या ये योजना यहाँ की जनता तक पहुँच पाई? हाँ, हमारे यहाँ घर घर पहुँच पाए, आप पूछ सकते हैं हर एक व्यक्ति से, हर एक पंचायत। अंत में आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अगर अगली बार आप चुनाव में आते हैं तो आपका मुद्दा क्या होगा? मुद्दा हमको विकास होगा, फिर विकास करेंगे, जो बाकी है उसको पूर्ण करेंगे। जैसा कि अभी तक हम बात कर रहे थे सुनील कुमार जी से, तो इनका कहना है कि इनके वार्ड क्षेत्र में जो योजनाएं सरकार द्वारा दी गई उन सभी योजनाओं को इन्होंने सफलतापूर्वक पूरी ईमानदारी से यहाँ के धरातल पर उतारा और प्रत्येक योजना का लाभ यहाँ की प्रत्येक जनता को दे पा रहे हैं। इनका कहना है कि जो कार्य यहाँ के जो कार्य उन सभी योजनाओं को इनका काम है कि अगली बार यहाँ की जनता फिर से मौका देगी तो सभी योजनाओं को पूर्ण करेंगे और यहाँ की जनता को प्रत्येक योजनाओं से लाभान्वित करेंगे। इन्हीं सब तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पे। धन्यवाद।